हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीट पीसी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है बच्चों, आज का जो मेजरिंग हम करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। मतलब मास का भी एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, टाइम का एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। मतलब दो मेथड होते हैं, मेजरिंग करने का तरीका दो होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का दो तरीका होता है, दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? डायरेक्ट मेथड में हमारा इंस्ट्रूमेंट पहला जो आता है मीटर स्केल आता है। क्या आता है बच्चों? मीटर स्केल आता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा बच्चों आता है वर्नियर कैलिपर्स। आप सुने होंगे नाम, वर्नियर कैलिपर्स। थर्ड जो आता है बच्चों वो स्क्रू गेज होता है। क्या होता है? स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज आर एंड स्फेरोमीटर। चौथा स्फेरोमीटर, ये दोनों सेम होते हैं, स्फेरोमीटर। मतलब इन दोनों से उतनी ही डिस्टेंस मेजर की जा सकती है जितना स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मीटर स्केल कैसा? हमारा मीटर स्केल आप जानते हैं किस तरीके का होता है। मीटर स्केल आप सीधा सीधा मेजर कर लेते हैं, एक लेंथ होती है मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल से मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं? मिनिमम 10^-3 और 1 mm इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 mm बोलते हैं। 10^-3 mm होता है। ठीक है बच्चों, 10^-3 मीटर, 1 mm में 10^-3 मीटर होता है। इसको मीटर स्केल का सबसे मिनिमम क्वांटिटी, सबसे मिनिमम मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, लेंथ की उतना मेजर कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट बोलते हैं, इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। मैक्सिमम कितना मेजर आप कर सकते हैं? मैक्सिमम इससे 10^2 मीटर तक आप मेजर कर सकते हैं। किससे? मीटर स्केल से। ठीक है बच्चों, मीटर स्केल से मिनिमम 10^-3 जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, 10^2 मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, 10^2 मैक्सिमम। वर्नियर कैलिपर्स से आप मेजर कर सकते हैं 10^-4 मिनिमम, इसका लिस्ट काउंट ये हो जाएगा। स्क्रू गेज से या स्पिरोमीटर से 10^-5 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड के इंस्ट्रूमेंट बच्चों। ये हमारा मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज से 10^-5 मीटर तक, वर्नियर कैलिपर से 10^-4 मीटर तक, मीटर स्केल से 10^-3 मीटर या 1 mm तक, मैक्सिमम 10^2 मीटर तक आप इससे मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। अब इनडायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं? एक होते जैसे होता है एक डायरेक्ट आप किसी से बोल दो। इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी से घुमा करके वही चीज आप बोलो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मेजरमेंट करने का तरीका, इसमें एज्यूम मेथड बोल सकते हो, सपोज मेथड बोल सकते हो, या अदर सपोज करके, अदर मैं क्वांटिटीज को निकाल करके उस चीज को मेजर किया जाता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में अगर आपको कोई हिल की या ट्री की, हिल की या कहीं वॉल की आपको मेजरमेंट करना है तो इको मेथड होता है। क्या मेथड होता है? इको मेथड होता है। ये बेस्ड होता है बेस्ड रिफ्लेक्शन, बेस्ड जिस जो जो बेस्ड होते हैं रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन पे कौन कौन बेस्ड होते हैं? वेस्ट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की क्या फिनोमेना होती है कि रिफ्लेक्शन चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, ये आता है एक मीडियम, उसी मीडियम में इंसिडेंट होता है और उसी मीडियम में क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो सारे मेथड है बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा आता है हमारा इको मेथड के बाद में, दूसरा आता है, दूसरा फर्स्ट हमारा इको मेथड होता है, दूसरा जो होता है सोनार मेथड है, तीसरा जो होता है दूसरा सोनार है, तीसरा लेजर मेथड होता है, थर्ड क्या होता है? लेजर मेथड है, चौथा जो हमारा है
रेडार मेथड है, ठीक है। पांचवा जो है हमारा है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, ठीक है बच्चों। ये और बाकी एक है सिक्स नंबर पर पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड में डिस्टेंस मेजर की जाती है, किसकी मेजर की जाती है, स्टार की मेजर की जाती है, सन की मेजर की जाती है, मून की मेजर की जाती है, ऐसे सारी चीजें मेजर की जाती है। तो ये चार पांच छह तरीके हैं मेजरमेंट करने के तरीके हैं। फिर वेरी स्मॉल ही लार्जर डिस्टेंस का इनडायरेक्ट मेथड है। किसका है? लार्जर डिस्टेंस के लिए। किसके लिए है बच्चों? लार्जर डिस्टेंस के लिए। ये हमारा मीडियम डिस्टेंस है, जो छोटा है थोड़ा, ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे। लार्जर के लिए ये है। स्मॉल मेथड स्मॉल के लिए आपका है, स्मॉल के लिए आपका ड्रोर है और ओलिक मेथड है, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं, अभी हम आपको ये सारे मेथड समझा रहे हैं, देखते रहिए। इको मेथड, सोनार मेथड, लेजर मेथड, ये सारी चीजें। तो पहले हम स्टडी करते हैं, चलिए हम लोग स्टडी करते हैं, हेडिंग डालते हैं कौन सा, इको मेथड और सोनार मेथड, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर लार्ज डिस्टेंस के लिए। फॉर लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारा जो फर्स्ट मेथड है इको मेथड है। कौन सा मेथड है? इको मेथड। इको मेथड किसे कहते हैं? इको जो होता है साउंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस पॉइंट, मतलब किसी डिस्टेंस पॉइंट पे, डिस्टेंट पॉइंट से हमारा साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको। इसको हम क्या कहते हैं? इको, मतलब कोई साउंड जाए फिर रिटर्न आपको सुनाई दे वही साउंड, उसको हम कहते हैं इको। इको के लिए आपका जो हियरिंग टाइम होता है, कान का सुनने के कट जो टाइम होता है, इंटरवल जाने और आने का इंटरवल जो होता है 1/10 सेकंड के बाद ही आना चाहिए। अगर 1/10 सेकंड से पहले आ जाएगा तो वो नॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शोर बन जाएगा, उसको शोर बोलेंगे, वो इको नहीं बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में जो इको मेथड होता है ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब गई फिर उसी मीडियम में रिटर्न आ गई, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो जो ये हमारा मेथड है इको मेथड जो है वो किस पर बेस्ड है बच्चों? इको मेथड जो बेस्ड है रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। रिफ्लेक्शन की घटना क्या होती है? सेम उसी मीडियम पे फिर से लौट आने की घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब सेकंड क्या है इसमें? हम किसका निकालते हैं कि किसका डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं? तो अगर सामने कोई वाल है, बहुत दूरी पर वाल है कि जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं, या हम मेज़र कर नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, या कोई पहाड़ है जहाँ तक हम डायरेक्ट मेथड से नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो इको मेथड से हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। इको मेथड से हम क्या करते हैं? यूजिंग इको मेथड वी कैन डिटरमाइन द लार्ज डिस्टेंस ऑफ अ हिल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सपोज कर लो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये हमारा क्या है? एक हिल है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक हिल है, ये आपका हिल है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर हमारा क्या है? खड़ा है। यहाँ से इसने साउंड भेज दिया, अब यहाँ से साउंड भेजा, फिर साउंड को रिटर्न आने में, इसकी डिस्टेंस सपोज कर लो डी है, इसको रिटर्न आने में कुछ टाइम लगेगा, इसको रिटर्न, इसको सुनाई देगा ना, तो इस फेनोमेना को क्या कहेंगे? इको कहेंगे। अब ये गया फिर आया तो कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम लेट टी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन किसके बीच में? ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट पॉइंट, डिस्टेंस टाइम इंटरवल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट इसको मान लीजिए और इसको रिफ्लेक्टेड पॉइंट मान लीजिए। ये हमारा हिल है या डिस्टेंस है। लेट टी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन हिल एंड ऑब्जर्वर। हिल एंड ऑब्जर्वर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया टी। टी हमारा ऑब्जर्वर बीच का डिस्टेंस हो गया। और लेट वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो आपका ये जो वी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? इधर गया इधर आया तो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2t/t हो जाएगा। ये वी हो जाएगा। इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा
डी इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी आएगा, डी इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2 आ जाएगा, मतलब हम डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर पॉइंट से लेकर के हिल की बीच के डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। बच्चों देखिए ऑब्जर्वर और डी इज इक्वल टू डिस्टेंस वी इंटू टी बाई 2 से हम ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर और हिल के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस इधर जाने में आने में तो डिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा, 2D हो जाएगा अपॉन टाइम। टी क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन द हिल हिल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन और हिल के बीच का टाइम इंटरवल आने जाने में जितना टाइम लिया टोटल, ये टी हो जाएगा। इसको हम डिवाइड इसका इधर क्रॉस कर देंगे तो वी इंटू टी डी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इको मेथड पहला है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग, इससे हम क्या करते हैं वॉल एंड हिल का, वॉल यहाँ लिख लीजिए वॉल भी, ठीक है बच्चों, वॉल या हिल या अदर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से। इको साउंड रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम अ डिस्टेंस पॉइंट से, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है और उसका टाइम इंटरवल कितना चाहिए 1/10 सेकेंड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो वो नॉइस बन जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसमें एयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड या 331 ऐसे अप्रॉक्स इतनी होती है, आप उसको रख दीजिए और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सोनार मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? सोनार मेथड। सोनार का पूरा फुल फॉर्म पहले क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या होता है बच्चों? रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये वेस्ड होता है। इसमें कौन सी वेव्स यूज होती है? इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड इन दिस मेथड्स। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द डीप इनसाइड वाटर, सी रॉक, शिप्स, सबमरीन, इन सब की हम डिस्टेंस निकालते हैं। समंदर में कोई हमारा रॉक है, चट्टान है, शिप्स है, सबमरीन है, तो यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा समंदर है और इसमें हमने क्या किया, एक हमारा ये इधर रॉक है, समंदर का रॉक है और यहाँ पे हमारा सिप है, यहाँ से हमारा सिप है, ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ से हमने क्या किया वेव्स को भेज दिया। इसकी डिस्टेंस अगर डी है तो ऊपर जो ये रिसीव करेगा, फिर रिसीव करने में टाइम इसका लगा टी, तो डिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा। स्पीड वी क्या होगा? ये वी इज द स्पीड ऑफ वाटर, वी इज द स्पीड ऑफ वेव्स इन वाटर, तो v इज इक्वल टू स्पीड इन टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, या सॉरी स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हमारा ट्वाइस हो जाएगा बाई टी हो जाएगा, ये वेलोसिटी v हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2t बाई टी, तो ये आपका हो जाएगा v इंटू टी अपॉन 2d, d इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी बाई 2 हो जाएगा, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। साउंड जो प्रिंसिपल बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, किस पे? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड डीप इनसाइड द वाटर, अंदर जो हमारा होता है जैसे सी रॉक है, शिप्स है, सबमरीन है, इन सब की डिस्टेंस पता करते हैं, कितनी गहराई पर, डेप्थ पता करते हैं, कितना नीचा गहरा ये लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कौन सी वेव यूज की जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती है। आपका सपोज कर लो ये सिप है, ये यहाँ पे आप ट्रांसमीटर लगाए हैं, ये सिप है आपका, यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाए, यहाँ से आपने वेव को छोड़ा, यहाँ पे ये सी रॉक है, ये क्या है सी रॉक है, यहाँ पे आपका जाएगा तो ये अल्ट्रासोनिक वेव जाएगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये ट्रांसमीटर रिसीव करेगा। इसमें टाइम सपोज करो टी लग गया, डिस्टेंस हमारा एक तरफ जाने का डी है, आने का तो 2D हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेव्स इन वाटर में हो जाएगा v, तो v इज इक्वल टू 2D बाई टी हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद तीसरा जो होता है लेजर मेथड। कौन सा मेथड है? लेजर मेथड है। ठीक है,
उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स है, फिर उसके बाद पैरालॉक्स मेथड है, उसमें हम सारी चीज़ें, एक ट्रायंगुलर मेथड होता है, ठीक है बच्चों। तो हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है लेज़र मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? लेज़र मेथड। कौन सा बच्चों मेथड है? लेज़र मेथड। लेज़र मेथड का जो फुल नेम्स होता है, लेज़र मेथड, एक लेज़र जो होती है एम्प्लीफाइड इमिटेड रेडिएशन होती है, एक लाइट वेव होती है। लेज़र एक लाइट वेव होती है। कौन सी वेव होती है बच्चों? लाइट वेव होती है। क्या होती है? एक लाइट वेव, और वेरी हाई एनर्जेटिक लाइट वेव्स होती है, और भी वेरी लेज़र हाईली मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक सीधी लाइन में जाती है। यू मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ जिसकी होती है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जिसमें अदर वेवलेंथ नहीं होती, एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, सीधे चलती है, हाईली एनर्जेटिक लाइट बीम्स होती है, ठीक है बच्चों। इसका जो फुल नेम्स होता है लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होते हैं। ये सारी लाइट्स जो होती है एम्प्लीफाइड करके हाई एनर्जी की जाती है, और इन स्टिमुलेटेड भी होती है, इमिशन निकलती है रेडिएशन, ठीक है। ये हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, सीधे होती है। क्या होती है? एक लाइट बीम्स होती है, वेव क्या होती है? लाइट वेव्स होती है। और ये किस पर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। किस पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एस्टिमेट इससे क्या निकालते हैं? इन दिस मेथड एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून का डिस्टेंस हम इससे मेजर करते हैं। किससे किस क्या क्या मेजर करते हैं? एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून का डिस्टेंस मेजर करते हैं। बच्चों देखिए, अर्थ जो है हमारा, ये हमारा अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पे हमारा मून है। अब ये हमारा क्या है? अर्थ है, और ये मून है। यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस सपोज कर लो डी होगा, और यहाँ से ये स्पीड ऑफ लाइट वेव होती है, उसकी वेलोसिटी v = c होती है। अब टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल t हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा, अपॉन t हो जाएगा, और स्पीड हमारा c हो जाएगा। स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चों? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। c = 2d/t हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई c × t = 2d हो जाएगा, d = c × t/2 हो जाएगा। तो d = क्या हो जाएगा बच्चों? c × t/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। c हमारा लाइट का स्पीड होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, c × t हो जाएगा, = 2d हो जाएगा, d = c × t/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा लेजर मेथड है। फिर से इस बार समझ लीजिए, लेजर जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन का मतलब निकलना, और स्टिमुलेटेड साथ निकलना, और रेडिएशन वो भी रेडिएट करना, एम्प्लीफिकेशन मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ा देना। लाइट हमारी लाइट होती है, विजिबल लाइट, उसके बाद में विजिबल लाइट की जो स्पीड होती है उसे लेजर जो होता है हाईली मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल लाइट बीम्स होते हैं। एक लाइट का बीम्स होता है, एक लाइट का बीम, बीम किसे कहते हैं? बंडल्स ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे बोल सकते हो। रे किसको बोलते हैं? पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रे बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बेस्ड किस पे होता है? रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। डिस्टेंस किसके बीच का निकालते हैं? अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अर्थ से लेकर के मून तक की अगर डिस्टेंस हमारा डी है, वेलोसिटी सी है, टाइम टी ले रहा है आने जाने में, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा आने जाने में, यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, फिर रिसीव किया, तो ये 2d हो जाएगा, टाइम इंटरवल t हो जाएगा, c हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस कराओगे, c × t = 2d आएगा, d = c × t/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे।
अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो रेडार मेथड है। रेडार मेथड किसे कहते हैं बच्चों? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग को बोलते हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग को, इसका फुल नेम्स होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। इस मेथड से हम क्या निकालते हैं? दिस इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है, यूज करते हैं टू लोकेट द पोजिशन ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन एयर सच एज एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन वगैरह है, ठीक है। अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए रेडार मेथड का हम यूज करते हैं बच्चों। इस पर ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर। किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। रेडार जो मेथड होता है बच्चों, उसका फुल फॉर्म्स होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। क्या होता है बच्चों? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। इसकी ये डिवाइस कहां पे यूज करती है? स्काई में, एयर में कोई अगर हमारा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जैसे एरोप्लेन हो गया, बहुत सारे ऐसे आपका रॉकेट हो गया और बहुत सारे जेट्स, एरोप्लेन्स हो गए, सारी चीज़ें हैं, उनमें हम अगर उसका डिस्टेंस लोकेशन पता करना चाहते हैं तो किस मेथड से करेंगे? रेडार मेथड से करते हैं। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है ये। तो अब अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम अर्थ पे हैं और यहाँ पर हमारा कहीं एरोप्लेन आपका ऐसे उड़ रहा है, ये आपका एरोप्लेन, हम बना दें आपको, ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है। अरे यार सपोज कर लो एरोप्लेन है, ये आपका अर्थ है, यहाँ से आपने भेज दिया रेडार की बीप्स, जो रेडार में बीप्स, रेडियो बीप्स यूज की जाती है, उसको आप चारों तरफ फैला देते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं? फैला देते हैं। चारों तरफ फैला दिया, अब यहाँ गया, पहुँचा, यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ, और यहाँ से क्या, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर बाद फिर ये रिसीव कर लिया। और जब रिसीव कर लिया तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? इसकी डिस्टेंस अगर सपोज करो डी है, इसकी डिस्टेंस सपोज करो डी है, तो यहाँ जब गया फिर यहाँ से रिटर्न आया तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2D हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टोटल डिस्टेंस 2D हो जाएगा। टाइम इंटरवल कितना आएगा? सपोज करो टाइम इंटरवल कितना आएगा? टी ले लिए। वेलोसिटी कितनी आएगी? वी ले लिए। वेलोसिटी या स्पीड ले लो, स्पीड वी, ये आपका वी हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? स्पीड एस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2D/T होता है। फिर उसके बाद में हम एस वी ले लो, तो ये हमारा डी इज इक्वल टू वी इंटू टी हो जाएगा। डी इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन वी इंटू टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार देखो, फिर से देखिए, रेडार जो मेथड हमारा होता है, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसे बोलते हैं। रेडियो डिटेक्शन, इसमें रेडियो वेव्स यूज की जाती है। इस मेथड से हम लोकेट करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन द एयर सच एज जैसे एरोप्लेन एक्सेट्रा, ठीक है। रॉकेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसकी टोटल डिस्टेंस अगर हमारा जाने आने दें तो डी और डी सपोज करते हैं 2D हो जाएगा। टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग में टी लग रहा है, स्पीड हमारा वी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। वी इज इक्वल टू 2D/T हो जाएगा। 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी हो जाएगा। डी इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मेथड, कौन सा मेथड है बच्चों? ट्राइंगुलर मेथड। ट्राइंगुलर मेथड में हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल से हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ट्राइंगल आर यूज टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज पिलर है, ट्री है, हिल्स है, इन सब का हम डिटरमिनेशन किससे करते हैं? एक ट्राइंगल्स यूज करते हैं। ट्राइंगल जैसे सपोज कर लो ये हमारा एक ट्री है। अब यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी मेजर की जाएगी? इसमें आपका डिस्टेंस क्या होता है? नोन होता है। टू मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट अ नोन डिस्टेंस, नोन डिस्टेंस से आपकी हाइट मेजर करनी है। आपको क्या निकालना? हाइट मेजर करना। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस नोन है, सपोज कर लीजिए ये एक्स जो है ये आपका नोन है। क्या है बच्चों? ये आप जानते हैं, ये एच हाइट है आपका। एच क्या है? हाइट है। यहाँ से इलेवेशन एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है? इलेवेशन एंगल। सपोज कर लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा। क्या बना रहा है बच्चों? थीटा एंगल बना रहा। अब इस थीटा एंगल की हम हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ थीटा, फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ट्री।
आर हिल, तो ए बी सी हमने ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का बन गया बच्चों, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइट मेजर करना, ये हमारा बेस हो गया, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा एच हो गया और बेस हमारा एक्स हो गया, तो टेन थीटा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू इसको क्रॉस करा देंगे, एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा हो जाएगा, और एच की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इधर इसको हम क्रॉस करा देंगे तो x tan थीटा हो जाएगा, x tan थीटा h इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x tan थीटा, और हम हाइट इससे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है अननोन मेजरमेंट, अननोन डिस्टेंस अगर है, डिस्टेंस हमारा अननोन है, हाइट भी हमें मेजर करनी है, मेजर हाइट करनी है, और डिस्टेंस हमारा अननोन है, इसमें हमारा नोन था, ये हमें पता था, इसकी वैल्यूज रख देंगे टेन थीटा 30 वगैरह जितना मेजर कर रहा है, टेन थीटा थीटा की वैल्यूज रख देंगे, उसके बाद हाइट पता कर लेंगे। अगर सपोज करो एक्स की वैल्यूज हमारा यहाँ पे 10 मीटर है और ये 30 डिग्री बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 और 10 30 डिग्री, तो 10 30 की वैल्यूज होती है 1/√3, तो ये हमारा टोटल आएगा 10√3 मीटर, हाइट जो आ जाएगी हमारी 10 अपॉन √3 मीटर। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 10 अपॉन √3, समझ में आ रहा है, क्यों बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए हम निकालते हैं, अब दूसरा क्या निकालते हैं, टू मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द अननोन डिस्टेंस, क्या निकालना है, अननोन डिस्टेंस निकालना है। अननोन डिस्टेंस भी हो और आपका हाइट भी ना पता हो, तब कैसे आप निकालोगे। तो आप जैसे ये सपोज कर लीजिए, ये हमारा क्या है, हिल है, आर ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है और आप यहाँ पे खड़े हैं, सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं ए पॉइंट पर, यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल आपका कुछ बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, कुछ तो बन रहा होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ रही होगी, ये भी नहीं पता है आपको। ये ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा ट्री है, क्या है, ट्री है, सपोज कर लीजिए ए बी डिस्टेंस, ए बी सी कर लीजिए इसको, ये सी हो गया, तो बी सी क्या होगा, बी सी कुछ होगा डिस्टेंस, अब नहीं पता है, बी सी हमारा अननोन है, बी सी क्या है, अननोन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको थीटा वन सपोज कर लिए, फिर कुछ आगे चलते हैं, कुछ आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, कुछ आगे की तरफ हमने मूव किया तो कुछ आगे यहाँ पे हम पहुंचे, और इसको मेजर कर लीजिए, इसको क्या करेंगे, मेजर कर लिए, मेजर कर ले, एक्स हमारा आगे डी पॉइंट, ये हमारा नोन है, अब ये नोन हो गया, यहाँ से इलिवेशन एंगल फिर से आप बना लीजिए, इलिवेशन एंगल हमारा थीटा टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा टू हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, कौन सा अप्लाई कर देंगे फार्मूला, कॉट, क्या अप्लाई करेंगे, कॉट, कॉट क्यों अप्लाई करेंगे, कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हमें लेना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस से हमारा रिलेशन निकल जाएगा, देखते रहिए बच्चों। अब cot theta 1 इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन, ये पूरा पूरा बेस हो जाएगा बी सी हमारा पूरा पूरा बेस हो गया, अपॉन हाइट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। cot theta 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बी डी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा वन का। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा डी सी अपॉन ए बी माइनस बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, और ए बी हमारा एलसीएम में सेम है तो बी सी माइनस बी डी हो जाएगा, बी सी
BC बच्चों देखो ये BC है और ये BD है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, x आएगा। अगर हम क्या करें BC पूरी पूरे डिस्टेंस में से BD माइनस कर दें कितना बचेगा, CD बचेगा। CD इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं BC माइनस BD, और इसकी वैल्यू से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों देखो BC माइनस BD, BC माइनस BD है तो BC माइनस BD cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 इज इक्वल टू x अपॉन AB का वैल्यू h, h इधर कर दीजिए तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 हो जाएगा, मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों cot h इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन h को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों समझ में आया, क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों h इज इक्वल टू x अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। ओके क्लियर, फिर से समझो इसको। देखो पहले आप क्या करिए, ये हमारा ट्री है, यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से एलिवेशन एंगल थीटा 1 बना, फिर कुछ डिस्टेंस आप नोन कर लीजिए, जितना दूर आप चलेंगे उतना तो मेजर कर लेंगे, फिर वहाँ पे दूसरे जगह पे खड़े हो जाइए, यहाँ से डिस्टेंस आप यहाँ पे खड़े होकर एलिवेशन एंगल मेजर कर लीजिए, एक बार ये ट्राइंगल ले लीजिए, एक बार ये ट्राइंगल ले लीजिए, ये काट काट का भी ट्राइंगल काट थीटा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर एक्स आ जाएगा, नीचे हमारा डिफरेंट हो जाएगा बेस, जो हमारा जो LCM का जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, फिर हमारा सॉल्विंग नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कॉट ले लेते हैं, क्या यूज करते हैं कॉट यूज करते हैं। अब कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 ले लिए, माइनस कर लिए, कि हमारा BC माइनस BD, BC पूरा पूरा है, BD माइनस करोगे इतना क्या बचेगा, x बचेगा, x अपॉन h हो जाएगा, h को इधर करेंगे, x अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 से क्या करेंगे हम सॉल्व। तो हमने क्या निकाला, हाइट निकाला, अननोन डिस्टेंस मुझे पता नहीं था, और हमने हाइट निकाला कब निकाला, जब हमारा नोन था। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैरेलैक्स मेथड, कौन सा मेथड है, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे अर्थ टू सन, अर्थ टू स्टार, ठीक है बच्चों, डायमीटर ऑफ प्लेनेट्स, इन सब की हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, किस मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है बच्चों, ये हमारा पैरेलैक्स इज द नेम गिवन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड, ऑन द बैकग्राउंड। अब इसमें क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं, क्या है, कोई पॉइंट्स है, उसको आप कोई वॉल्स पे एक पॉइंट ले लीजिए और उसको लेफ्ट आई से देखिए, पहले आप लेफ्ट आई से देखिए फिर उसके बाद राइट आई से देखिए, तो जो शिफ्टिंग होता है, जो शिफ्टिंग पोजीशन में जो शिफ्टिंग होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। सपोज कर लीजिए ये हमारा ओ पॉइंट्स है और यहाँ पे हमारा लेफ्ट आई से हमने देखा तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया, यहाँ से फिर हमने राइट आई पे देखा तो यहाँ पे दिखाई दिया, इसकी जो डिस्टेंस होती है ये हमारा सपोज कर लीजिए वी है, इसको हम कहते हैं बेसिस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिस बोलते हैं। ये डिस्टेंस हमारा एस सपोज कर लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एस, और ये एंगल जो होता है थीटा सपोज कर लीजिए, थीटा इज इक्वल, थीटा को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल इज इक्वल टू, तो थीटा ये हमारा है, आर्क जो होगा इसको मेजर, इसको मान लिया जाएगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या है, आर्क है, तो वी अपॉन रेडियस को एस मान लिया जाएगा, थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एस से, एस इज इक्वल टू वी अपॉन थीटा से हम क्या करेंगे डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, इसको पैरेलैटिक एंगल आर पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, ये हमारा बेसिस होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हमारा इसको मेजर मान लिया जाता है, आर्क ये वी है, रेडियस हमारा एस है, एस इज इक्वल टू वी बाई थीटा होता है। ठीक है बच्चों समझ में आया, क्लियर,
नोट करो। फिर हम आते हैं इस मेथड से, पैरेलैक्स मेथड फिर से समझो। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ले लीजिए, एक लेफ्ट आई से देखिए, फिर राइट आई से देखिए, और ये जो शिफ्टिंग होती है पोजीशन में शिफ्टिंग, उसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है बच्चों, पैरेलैक्स मेथड से एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये हमारा पैरेलैटिक आर पैरेलैक्स एंगल बोला जाता है, ये हमारा बेसिस बोला जाता है, इसको आर्क मान लेते हैं, ये हमारा रेडियस होता है, इसको रेडियस मान लेते हैं। आर्क थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू वी बाई एस, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई थीटा। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड का, पैरेलैक्स मेथड से हम क्या निकालते हैं, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हमारा ये अर्थ है, सपोज कर लीजिए ये आपका अर्थ पॉइंट है, यहाँ पे ये अर्थ है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे आप यहाँ पे मैं अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीधा सीधा पॉइंट ऐसे, ये एक स्टार यहाँ पे, तो सीधा सीधा ले लीजिए यहाँ पे, ये हमें एक मून, एक स्टार या ये एक स्टार या यहाँ पे मेजर कर लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस है ए और बी हो गया, ए बी, ये आपका सी डी ले लीजिए, यहाँ पे आपका एक डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो ये आपका, आप सीधे सीधे कहीं भी जाएंगे तो सीधे सीधे दिखाई देगा कि ये हमारा जो स्टार है दोनों सीधे सीधे हैं, यहाँ इसका मेजर करना है, ये हमारा मून है, सपोज कर लीजिए ये क्या है, मून है। तो यहाँ पहले आप एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से थीटा वन की वैल्यूज मेजर कर लीजिए, ये आपका थीटा टू की वैल्यूज मेजर कर लीजिए, ये आपका यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए, ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा आपका थीटा अल्टरनेट एंगल होगा, ये अल्टरनेट, ये लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, ये थीटा टू होगा, ये भी ये थीटा वन होगा, तो ये भी थीटा वन होगा, और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये आर्क होगा, आर्क है, ये हमारा ए बी, इसको मान लीजिए ए बी, वी बेसिस मान लीजिए, ये हमारा बेसिस वी है, और ये ए बी डिस्टेंस हो गया, ये थीटा वन प्लस टू थीटा टू क्या हो गया, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल कितना आएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, यही पूरा पूरा ये एंगल आएगा, पैरेलैक्स एंगल आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आर्क हो जाएगी, ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, आर्क एंगल हमारा, आर्क क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, आर्क क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा, और ये जो है ओ, ओ बी और ओ ए रेडियस ले लीजिए, ये आपका डिस्टेंस डी ले लीजिए, ये डिस्टेंस डी आप ले लीजिए। ठीक है, अब यही डिस्टेंस हमें मेजर करना था, तो आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारा है ए बी और रेडियस हमारा है ओ ए, ओ ए आर ओ बी एक ही चीज है, और एंगल हमारा है थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ओ ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका फाइंड कर सकते हैं। पैरेलैक्स मेथड से पहले हम क्या करेंगे कि एक स्टार यहाँ पे देखेंगे, ये सीधा सीधा आपका पैरेलल होता है, और इससे ये मून का देखेंगे, यहाँ से हम थीटा वन एंड थीटा टू को एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर कर लेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से एंगल को मेजर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये हमारा बेसिस, ये हमारा आर्क हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, दो जगहों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद में ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ये थीटा वन थीटा टू पता हो जाएगा, डी दे पता हो जाएगा। ठीक है, ये आप ज़्यादा दूर पे मत लीजिए ना, ये आपका 10 मीटर पे ले लीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हमारा आप कहीं भी देखेंगे तो इसको सीधा सीधा देखेंगे, इसको क्या करेंगे सीधा सीधा, ये सीधा सीधा मिलेगा, यहाँ से इसको इसका मेजर करिए, इसका मेजर करिए, ये आपका अल्टरनेट हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट, ये आपका पैरेलैक्स एंगल बोला जाएगा, पैरेलैक्स एंगल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बच्चों, पैरेलैक्स एंगल बोला जाएगा। ठीक है, ये पैरेलैक्स एंगल होगा, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन थीटा वन, आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है बच्चों। अब हम आते हैं नियर बाय स्टार, अगर हमें नियर बाय स्टार लेना है तो हम क्या लेते हैं कि सन की ऑर्बिट लेते हैं, क्या लेते हैं, सन की ऑर्बिट, जिसमें अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है। सपोज कर लीजिए ये हमारा अर्थ यहाँ है, यहाँ पे अर्थ है, ये हमारा सन है यहाँ पे, तो ये ऑर्बिट हो गया,
ये हमारा अर्थ है। तो एक जगह अर्थ यहाँ पे है सपोज कर लीजिए, एक जगह अर्थ यहाँ पे है सपोज कर लीजिए, और ये स्टार हमारा यहाँ पे है। सीधा सीधा हम मेजर करेंगे, एक स्टार को यहाँ देखेंगे तो ये सीधा सीधा आपको दिखाई देगा, और इसको देखेंगे तो ये आपका तिरछा दिखाई देगा। तो ये आपका एंगल मेजर करेंगे तो थीटा वन हो जाएगा, इसको आप देखेंगे तो ये थीटा, सीधा सीधा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टार दिखाई, ये ओ ले लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर सन पे ड्रा कर दीजिए, ये अर्थ टू सन डिस्टेंस हो जाएगा। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इधर हो गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इधर हो गया डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और टू एस्ट्रोनॉमिकल 1 × 1.5 × 10⁻¹ मीटर, तो 3 × 10⁻¹ मीटर आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻¹ मीटर हो जाएगा। ये हमारा थीटा टू है, तो ये हमारा थीटा वन आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा थीटा टू। ये पूरा पूरा एंगल को क्या बोलोगे, पैरेलैक्स एंगल बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, पैरेलैक्स एंगल बोलोगे। अब ये पैरेलैक्स एंगल, ये पैरेलैक्स एंगल हो गया, ये हमारा डिस्टेंस बेसिस हो गया, ये जो है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट किसकी है, सन की ऑर्बिट है। हम किसका निकाल रहे हैं, स्टार का निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस हम अर्थ से लेकर के स्टार के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं बच्चों। किसका निकाल रहे हैं, डिस्टेंस नियर बाय स्टार, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑर्बिट है, यहाँ अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है बच्चों। ये हमने डिस्टेंस यहाँ पर हम सीधा सीधा देखेंगे तो ये ऐसे सीधा सीधा दिखाई देगा, और ये हमारा ये हो जाएगा थीटा वन बन जाएगा, ये थीटा टू, ये हमारा अल्टरनेटिव एंगल से ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे, ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे, ये टोटल हमारा सम हो जाएगा पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल आपका हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू बच्चों। ये थीटा और ये हमारा एंगल इज इक्वल टू होता है बच्चों, यही बता दे रहा हूँ, एंगल इज इक्वल टू होता है आर का पॉन रेडियस। क्या होता है बच्चों, आर का पॉन रेडियस, रेडियस आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एस सपोज कर लीजिए, तो आर्क हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आर्क हमारा ए बी हो जाएगा, रेडियस एस हो जाएगी, एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू, एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा वन प्लस थीटा टू। ए बी आप कितना ले सकते हैं, टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले सकते हैं, 3 × 10⁻¹ मीटर, और एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू मेजर कर लीजिए, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नियर बाई स्टार्स आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया, नोट करो। फिर नेक्स्ट, पैरेलैक्स मेथड का जो हमारा थर्ड पॉइंट है उससे हम क्या करते हैं बच्चों, पैरेलैक्स मेथड का जो थर्ड पॉइंट है उससे मेजर करते हैं। टू मेजर द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई प्लेनेट वगैरह का हम क्या करते हैं, साइज मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, ये सपोज कर लीजिए ये हमारा प्लेनेट है, ये हमारा अर्थ है, ये सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ऑब्जर्वर ओ पॉइंट्स है, तो यहाँ से आप टेलीस्कोप से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए डी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए डी है, ठीक है। यहाँ से आप ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो ये ए बी मान लीजिए, इसको ए बी मान लीजिए, ये ओ पॉइंट्स है, ये डायमीटर है। तो यहाँ आपका सिंपल तरीका है, आर्क इज इक्वल, एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आप आर्क ए बी को मान लीजिए, ये आप क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आर्क मान लेंगे, आर्क हमारा ए बी हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, या एस ले लीजिए, एस ले लीजिए, तो ये एस हो जाएगा, एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, एस इज या ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा हो जाएगा, हमारा डायमीटर ए बी निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, प्लेनेट है, प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। यह समझ में आया, साइज ऑफ प्लेनेट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, स्टार का डिस्टेंस, ये सब पैरेलैक्स मेथड से, इको मेथड, लेजर मेथड, रेडार मेथड, सोनार मेथड, इन सारे मेथड्स, ये सब बेस्ड हैं रिफ्लेक्शन पे, इन सारे मेथड से हम साउंड लाइट्स भेजते हैं और डिस्टेंस पता करते हैं। ट्राइंगुलर मेथड से हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द हिल, या कोई भी हमारा हाइट मेजर करने के लिए हम ट्राइंगुलर मेथड यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया, थैंक यू वेरी मच,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करो बच्चों, ठीक है। कल हम आपको जो कल का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्मॉलर लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, स्मॉलर लेंथ कैसे मेज़र करते हैं बच्चों, स्मॉलर लेंथ के कितने मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं उसको बताऊंगा। फिर बच्चों को मैं बताऊंगा मास कैसे मेज़र किया जाता है, फिर थर्ड है टाइम कैसे मेज़र किया जाता है बच्चों, इन सब का हम डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू।